जय हिंद। आप लोग को सुबह एप्लीकेशन पे हम टोटल आर्टिकल 22 पढ़ा दिए थे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बता दिए थे। इसमें हम लोग थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हट के जो कॉमन चीज़ें है उसकी चर्चा कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि सर जैसे जो फॉरेन में उन लोग का एप्लीकेशन पर लिंक नहीं खुल रहा है। तो इसमें मेनली जो चीज़ इंट्रोगेशन क्या है, कस्टडी क्या चीज़ है, अरेस्ट क्या होता है, रिमांड क्या होता है, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड क्या होता है, इनकाउंटर कब किया जाता है, नज़रबंदी किसे कहते हैं, या हाउस अरेस्टिंग, ये सब के बारे में थोड़ा सा इसमें जानकारी ले लेते हैं। कहा गया है इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसे दंडात्मक निरोध कहते हैं, इंग्लिश में उसे पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। अब इसके तहत आपकी अरेस्टिंग होगी। अब यहां ध्यान से समझिए, आपको अरेस्ट करने के लिए कारण बताना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट। लेकिन कभी कभी पुलिस बिना अरेस्ट वारंट ही आपको उठा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइम है वो कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल मतलब थोड़ा बहुत छूट दे जाएगा, किसी का हाथ पर मार दिए, तोड़ दिए, तमाचा मार दिए। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल है, पता चला घरे जला दिए, जला के मार दिए, गोली मार दिए, तब वारंट नहीं दिखाएगा कि देखिए ये है, चलिए ध्यान से। तो पहला इसमें क्या चीज बात है कि भाई आप अगर क्राइम कर दिए है, तो 22 का पहला कहता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगा, लेकिन खतरनाक अपराध में बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा कि वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, मतलब मैजिस्ट्रेट कहने का मतलब जज के पास ले जाएगा। लेकिन इस 24 घंटे में दो चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए गया उस, अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुलिस को यही काम है कि पकड़ के कोर्ट में लेते जाए, पर पता चला पुलिस कोर्ट और यही में घूमते रह जाएगी, थाना में कोई नहीं है, तो पुलिस उसे अरेस्ट करके रख देती है। थाने में जब आते हैं ना अरेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर टाइम लिखा जाता है कितने टाइम में इसको अरेस्ट किया। पहले ये बहुत गड़बड़ होता था, इसलिए अब हर थाने में सीसीटीवी फुटेज लग गया है। अब पुलिस गड़बड़ नहीं कर पाती है उतना, तो थाने में रिपोर्ट लिखा जाएगा हाँ भैया ये 10 बजे आया था। अब पुलिस के पास एनफ टाइम है, अगले दिन सुबह 10 बजे तक का टाइम है, अगले दिन 24 घंटे का उसके पास टाइम है। तो पुलिस ने सोचा एक काम करते हैं, एक घंटे का रास्ता है कोर्ट में, इसको आज नहीं ले जाते हैं, आज जेल में छोड़ देते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन में, इसको कल ले जाएंगे। कल पुलिस निकली 8 बजे, उसने सोचा कि 2 घंटे टाइम है, जज साहब के पास पहुंच जाएंगे। बीच में लग गया जाम, तो जाम का समय और रास्ते में जो यातायात में लगा हुआ समय है इसको जोड़ा ही नहीं जाता है, यानी आपके आने जाने के समय को नहीं जोड़ा जाता है। इसका मतलब अगर आज पुलिस 10 बजे अरेस्ट की है और कल आपको कोर्ट में ले जाती है, यहीं से पुलिस स्टेशन से निकलती है 10 बजे, तो वो जाने में लगा समय, रास्ते का समय काउंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि अगर उस दिन कोई छुट्टी का दिन है तो वो छुट्टी के दिन भी शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान से समझते चलिए, ये पीडीएफ आपको हम पीडीएफ सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। वकील में दो चीज़ें, आपको अपने पसंद का वकील रखना है। जैसे मान लीजिए सपोज हम गिरफ्तार हुए, हम प्रशांत भूषण को रख लेंगे, बड़े बड़े वकील को रख सकते हैं, तो हमें अपने पसंद के वकील रखने की आज़ादी है, इसमें आप रोक टोक नहीं कीजिएगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि कोई बहुत ही गरीब आदमी है जिसे वकील रखने का पैसा ही नहीं है, तब क्या करेगा? तो इसमें कहा गया है तब सरकार उसे सरकारी वकील देगा। सरकारी वकील वो होते हैं जिनकी सैलरी सरकार देती है, वो सरकार जिनके मुकदमे को लड़ने के लिए कहती है वही मुकदमे लड़ते हैं। सरकारी वकील अक्सर हार जाते हैं जानबूझ के वहां पर, क्यों? रीजन क्या है कि वो उतने मेहनत से काम नहीं करता, क्योंकि उसका पर्सनल नहीं जा रहा है, वो सरकार उसे पैसे दे रही है। तो समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ वकील रखने की भी स्वतंत्रता है, फ्री में भी है। तो ये चीजें तो तब है ना भाई कि जब आपने अपराध कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी अपराध करा देती है, बहुत बड़ा बड़ा क्राइम करा देती है। तो पुलिस को एक पावर है कि अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको कोई वारंट नहीं दिखाएगी और ना ही आपको कोई दलील सुनेगी और ना ही आपका कोई अपील सुनेगी। याद कीजिए 1919, यही कानून अंग्रेज ला रहे थे सब, जिसे सर सिडनी रॉलेट ने लाया था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। ये आज भी हमारे संविधान में है। और ये कहां पर है? तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर 7 तक है। तो इसकी जो चर्चा है क्लास 4 से, मतलब इस ये देखिए 1-2-3 दिन यहां हो गया, तो ये कहां से होगा? 4 से लेकर 7 तक। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो पुलिस बिना वजह उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसे 30 दिन तक रख सकती है बिना कोर्ट में ले गए, बिना वकील के दिए, बिना दलील सुने, चुपचाप पड़ रहा वहां पर।
और 3 महीने से ज्यादा भी ले जा सकती है अगर उसको सरकार, जो राज्य सरकार है उसकी एडवाइजरी कमेटी है, अगर वो कहती है कि नहीं 3 महीने से ज्यादा रखो, इसको छोड़ दोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो 3 महीने से ज्यादा भी रख लिया जाता है उन लोग को। तो ये चीज है अब बिना कोर्ट में। तो समझ में आ गया, ये रॉलेट एक्ट का नया रूप है जिसे हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। ये निवारक निरोध कुछ नहीं है, ये रॉलेट एक्ट के समान ही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये अपराध से पहले लगा दिया। और ये जो चीज है इसे कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, ये अपराध होने के बाद लगाया। अब आप कहेंगे ये कैसा कानून है, बिना वारंट दिखाए 30 दिन तक रख देगा, तीन महीने तक। हम यहाँ क्या लिख दिए भाई, हाँ देखिए, बिना वारंट के कितने महीने रखेगा, 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा अगर रखना है तो फिर उसे कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेने पड़ेगी। लेकिन इस बीच उसके पास अधिकार है कि वो अपने वकील से कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि हमें फालतू में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए, इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब अगस्त 2019 में, पिछले साल, जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर के ये बड़का बड़का नेता लोग थे, ये लोग तो कोई अपराध नहीं किए थे, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये लोकतंत्र के हिसाब से, ये लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि भाई ये हैं लोग। देखिए अपराध कब होता है, जब बम बारूद मारिए। ये सब बम बारूद मारने वाले नहीं थे, सब ये मुंह से बम मारता था सब, मतलब कहने का सेंस है इनकी भाषा बड़ी भड़काने वाली थी। तो सरकार ने देखा कि अगर इनको छोड़ देंगे ना तो 370 के लिए एकदम कश्मीर में मंच पे भाषण देना चालू करेगा सब, और गर्दा उड़ा देगा सब कश्मीर में। वाकई आपको बताते हैं, अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया रहता तो कश्मीर का दूसरे शकल होता। तो सरकार ने जैसे 370 खत्म किया, इन लोगों को लगा दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ध्यान दीजिए, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध में अपराध से पहले ही इनको कर लिया। इनको पता था कि भाषण देंगे, उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लो, और बिना वारंट के इन्हें 3 महीना, क्या 6-6 महीना तक ये लोग अंदर थे लोग। और क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड कह रही है, गृह मंत्रालय का, कि छोड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, तो इन्हें छोड़ा ही नहीं लोगों ने। और इन लोगों को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट को हिंदी में कहते हैं नज़रबंद। नज़रबंद क्या किया जाता है कि जब आपको क्या किया जाता है, आपको घर में बंद कर दिया जाएगा और आपको किसी दूसरे से बातचीत करने नहीं दिया जाएगा, फोन लाइन टेलीफोन काट दिया जाएगा, आप अपने परिवार में रहिए, बस जितने लोग का घर के अंदर है ना उतने लोग से बात कीजिए, बाहर किसी से ना मिलने दिया जाएगा, आपके घर का फोन लाइन काट दिया जाएगा, टीवी कनेक्शन काट दिया जाए, चुपचाप रहिए घर के अंदर, खाइए पीजिए मस्त रहिए। इसी को कहते हैं नज़र बंद कर देना, यानी आम पब्लिक के नज़रों से हटा देना, उसे क्या कहेंगे, नज़र बंद कर देना। तो ये नज़र बंद हो गए लोग, हाउस अरेस्ट। अब आप बताइए ये ठीक किया गया कि नहीं किया गया। अरे भाई पढ़े लिखे लोग भाई, अब इसको कौन कहता है गलत किया गया, वरना आप लोग ये आप ये कम लग रही है आपको ये महबूबा मुफ्ती। ये देख रहे हैं, ये है आपको कश्मीर के पुराने मुख्यमंत्री याद होंगे, उनका नाम होगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के ये बाबूजी हैं फारूक अब्दुल्ला, और इनके बाबूजी थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, उन्होंने ही 370 जोड़ा था। सोचिए इन्हीं के बाबूजी ने 370 जोड़वाया था, इन्हीं को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट करके नज़रबंद कर दिया गया। तो आप नज़रबंद समझ में आ गया। अब आप बताइए कि भारत ने, जब हम आपको ये बता रहे थे अभी 10 मिनट पहले कि ये रॉलेट एक्ट के समान अभी भी है, तो आपके मन में एक अजीब चीज़ आया होगा कि रॉलेट एक्ट वाला चीज़ हमारे संविधान में क्यों जोड़ दिया गया, जिस रॉलेट एक्ट का हमने बहुत बड़ा विरोध किया था उसको क्यों जोड़ा गया। आप समझ में आ गया कि हमारे देश के संविधान को कितनी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, यानी संविधान में सबसे बड़ा महत्व दिया गया है देश नहीं टूटना चाहिए, बाली नियम कानून कुछ भी टूटते रहे, देश नहीं टूटना चाहिए। तो ये कहीं कहीं ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसका कहीं कहीं मिसयूज भी हो जाता है। इसका अगर सरकार चाहे तो मिसयूज कर सकती है, क्योंकि सरकार को ना सबूत से मतलब है, ना वकील से मतलब है। जज के पास तो प्रॉब्लम ही होता है ना कि जज मनमानी करेगा तो वकील कह देगा कि आप ये नहीं कर सकते, उसको नियम के हिसाब से चलना होता है जज को, इसलिए जज मनमानी नहीं कर पाता है। और सरकार को क्या मनमानी कर सकती है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। अब बात करते हैं इनकाउंटर कैसे किया जाता है। तो पुलिस कब इनकाउंटर करती है, देखिए ध्यान से, कभी कभी तो इनकाउंटर सही होता है, कभी कभी फर्जी होता है, जैसे 300 का फर्जी है, लेकिन फर्जी है तो बहुत अच्छा है। आप देखे होंगे जो हैदराबाद रेप केस था, उस लड़की बेचारी को पेट्रोल पंप के पास से उठा के ये सब रेप करके जला दिया सब, इन सब लोगों को भी जला देना चाहिए। तो हैदराबाद पुलिस ने क्या किया, उठा के ले गई इन लोगों को। एनकाउंटर कब किया जाता है, जब आप पुलिस की कस्टडी से भाग रहे हों, आप पुलिस पर हमला कर रहे हों,
या पुलिस आपको रुकने के लिए कह रही है, आप नहीं रुक रहे हो, तो पुलिस आपको पहले हवाई फायरिंग करेगी और कहेगी रुक जाओ, नहीं रुकेंगे तो कमर के नीचे मारेगी, उसके बाद आपको मारेगी। तो पुलिस को पता ही था, पुलिस को इन सब को मारना है, ले जाके गई पुलिस, कही भागी धाए से टपैर में मारा, ऊपर मार दिया वहाँ पे। और दूर से मारना जरूरी होता है, देखिए अगर कोई खड़ा है आदमी, खड़े को मार दीजिएगा ना, तो पोस्टमार्टम में कैसे निकल जाएगा कि गोली सीधे आके रुकी लगी है, तो पता चल जाएगा सूचना फर्जी इनकाउंटर है। और भाग रहे हैं तब गोली लगेगी, तो गोली तिरछा काट के इसे निकलेगी, समझ में आया कि नहीं, सीधे घुस गया मतलब आदमी रुका हुआ था। तो दूर से मारते हैं, ऐसा कह देते हैं भाग 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 भाग, क्या करता है ना कि उधर दो तो पुलिस वाला छुपे रहेंगे सर, पहले से उनको निशाना है, ये कहते हैं सर जल्दी भाग जो भाग, वो भागेगा वो मार देगा सर। तो ये तो फर्जी इनकाउंटर, और कुछ असली इनकाउंटर भी होते हैं। तो ये देखें आप लोग हैदराबाद वाले में इनकाउंटर कर दिया, ठीक किया सोच रहा, फर्जी उर्जी को छोड़ यहाँ पर। अब बात कुछ समझते हैं टेक्निकल टर्म्स की। टेक्निकल टर्म्स में एक होता है इंट्रोगेशन, पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाई है, मतलब पूछताछ के लिए बुलाई। इसमें नॉर्मल पुलिस आपको बुलाती है कि सुनिए जी आपके मोहल्ला में मार हुआ है, देखते हैं ना पुलिस का एगो सिपाही आता है घर से बुला के ले जाता है, चलिए थाना में बुलाहट है, वहाँ पुलिस करती है काहे मारपीट किया रे, तुम काहे मारा रे। अब पुलिस वाला ना एगो सिपाही उनको ले जाएगा साइड में, एगो आपको ले जाएगा, कहेगा तू 2000 दे, तू 2000 दे, जो ज़्यादा क्राइम किया रहेगा उसे 5000, जो कम किया 2000, अच्छा जाओ अब एगो सुलहनामा पे लिखवा लेगा, फिर से झगड़ा हो रहा मत करना। तो नॉर्मली इसी से लोग डर जाते हैं, लोग है काहे कर रहा है, थाना पुलिस हो जाए तो थाना पुलिस, अरे भाई थाना पुलिस तो ठीक है, थाना पुलिस में कौन चीज़ था, आप क्वालिटी पढ़ लेंगे ना तो थाना पुलिस से नहीं डरेंगे, अरे कौन चीज़ का डरना है भाई, जब प्रशांत भूषण जो था सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं डरा तो ग्रेजुएशन पास दरोगा लोग से आप डरेंगे? आप अगर क्राइम नहीं किए हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, और अगर क्राइम किए हैं ना तो दरोगा छोड़कर नहीं करेगा, बहुत हुमच के थूरेगा। तो इंट्रोगेशन समझ में आ गया, नॉर्मली होता है इंट्रोगेशन, आधा एक घंटा पहुंचा के छोड़ देता है सब। अब रिपब्लिक टीवी जो है ना, उसका जो वो है ड्रग दो मुझे ड्रग दो, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, उसको मुंबई की पुलिस ने 8 घंटा इंट्रोगेशन किया था, मतलब 8 घंटा तक पूछताछ किया था, इसीलिए वो मुंबई पुलिस पर भड़का हुआ है, कहता है मुंबई पुलिस तुम किस काम की हो, बहुत भयानक था वो। तो वो पत्रकार वगैरह थे, इंट्रोगेशन तो आप समझ गए। अब आता है कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना, अरेस्ट करना नहीं, कस्टडी अलग चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग को हर 6 महीने पे वैकेंसी आनी चाहिए, आप बताइए मित्रों आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कोरोना खत्म होने दीजिए फिर इस पर भी आंदोलन करेंगे। और मान लीजिए आंदोलन किए हम, तो आप आगे तो रहेंगे नहीं, आगे हम लोग रहेंगे, तो हम आगे हैं। अब पुलिस कही कि एक काम करते हैं, एक मास्टर को उठा ले जाते हैं, सब आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो पुलिस आएगी पकड़ के हमको जेल में लेके चल जाएगी, जेल में ले जाएगी, पुलिस स्टेशन में ले जाएगी, पुलिस वहाँ आराम से बात करेगी, अरे काहे महाराज जी सब अनशन तनशन करते हैं, तो पुलिस 4-5 घंटा रखेगी या रातों भर रख के फिर छोड़ देगी। तो नॉर्मल आप झगड़ा को शांत कराने के लिए, किसी प्रोटेस्ट के बड़े नेताओं को हटाने के लिए जो पुलिस ही सब काम करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कस्टडी में ले लिया, पुलिस कस्टडी या हिरासत में ले लिया, ये नॉर्मल मैटर के लिए होता है, इसके लिए FIR वगैरह नहीं लिखा जाता है, पुलिस पकड़ के ले गई फिर छोड़ देती है आपको, कोई दिक्कत नहीं होता है कस्टडी के लिए। कोरोना में कोई बाहर पकड़ा जाता था पुलिस उठा के ले जाती थी, तो क्या अरेस्ट थोड़ी करती थी, कस्टडी में ले जाती थी। तो इंट्रोगेशन से थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाता है कस्टडी, एक दूसरे पर लगाइए देता है जो कस्टडी। अब उसके बाद अरेस्ट आ जाता है, ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो आपके ऊपर FIR लिखवा देती है कि फला चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है, तो ये सीरियस मैटर के लिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है। लेकिन पुलिस पे एक प्रेशर है, प्रेशर किस बात का है तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रेशर इस बात का है कि यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको कहाँ ले जाइए, जज के पास ले जाइए। अब यहाँ जरा समझिए कि कोई व्यक्ति थे जिन्होंने सीरियस मैटर कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिए तो सीरियस मैटर है, अब पुलिस उनको कस्टडी में तो लेगी नहीं, अरेस्ट करेगी। लेकिन अरेस्ट करने के बाद पुलिस की एक समस्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, यानी जज के पास ले जाना है। तो जज कहता है, क्योंकि थाने में जगह नहीं होती है ज़्यादा रखने का, ना ही खाने में, थाना के अंदर पुलिस स्टेशन में खाने पीने का कोई व्यवस्था होता है, तो जज जानता है कि एकरा 2 दिन थाना में छोड़ देंगे तो खैले बिना मर जाएगा, तो जज उसको क्या कहता है, जेल में भेज देता है। जेल को हम लोग, जेल जो होता है पुलिस के अंडर में नहीं होता है, वो जज के अंडर में होता है। जेल में आप ऐसे घुसिए नहीं सकते हैं, जेल की देखरेख जेलर करता है, लेकिन कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा ये सारा काम जज करते हैं, चीफ दंडाधिकारी और कुछ नहीं कर सकता। तो जज क्या करते हैं, जज साहब, जज लोग अपनी कस्टडी में ले लेते हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट करके लाई है, 24 घंटे के अंदर अंदर जज के पास ले जाएंगे, कहेंगे जज साहब देखिए इस ससुरा मर्डर के लिए 2 आदमी को मार दिया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत चोटा है यहाँ पर। तो जज कहेगा रे चोटा कहीं का, मर्डर कर दिया रे,
इसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दो, तो पुलिस से उसको लेकर जेल में भेज दिया जाएगा। और अगर आप जेल में हैं ना तो एकदम शांति से, आपको कोई मारता पीटता नहीं है। जेल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, सीनियर कैदी से होता है। सीनियर कैदी है ना, कहेगा अरे इधर पैर दबाओ, अरे पैर दबाओ, कोनो कहेगा सर दबाओ, नहीं दबाइएगा पीट वो करता है वहाँ पे। तो अब एक बात जरा समझिए, जज साहब को क्या पता करना है कि मर्डर कौन किया, बेचारा पता करना रहता है पुलिस वालों को, अब सबूत देना रहता है पुलिस वालों को, जज को तो बस फैसला सुना देना है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उससे पूछताछ करिएगा ना, तो घंटा पूछताछ कीजिएगा, 24 घंटा के अंदर आप जज साहब के पास ले गए, नहीं ले जाएंगे तो जज साहब नौकरियाँ खा जाएंगे आपका, और ले गए जज साहब के पास तो जज साहब देखेंगे कि मामला नॉर्मल है तो कह देंगे जाने दो जी, मारपीट किया छोड़ दो, ना तुम रखो ना हम रखें, घर जाओ। अब मर्डर टर्डर का मामला है तो जज साहब कहेंगे नहीं हमारे पास छोड़ दो, तो जज साहब अपने घर ले जाएंगे, कहाँ भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में। और जुडिशियल कस्टडी कहाँ होती है, जेल में, जेल का मालिक कौन होता है, जेलर, जेलर को भेज देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अब कैदी जो मर्डर किया है उससे पूछताछ की भी तो जरूरत है कि ते कैस कौन बंदूक से मारा। मान लीजिए कोई सबूत मिला कहीं पे, मान लीजिए कुछ भी मिला, कोई कपड़ा का टुकड़ा मिला फटा हुआ, तो पुलिस को शक होगा कि ससुरा ओकरे फटल का कपड़वा है, मिलाते हैं उससे, तो कहाँ घरे से मिलाइएगा, वो तो जेल में है। तब पुलिस का दरोगा आएगा जज साहब के पास, सल्यूट करेगा, जज साहब सल्यूट, वो जो हम आपको कल आदमियाँ दिए थे ना वो हम मजबूरी में दे दिए थे कि 24 घंटा के अंदर आपके पास ले जाना है, ना देते तो नौकरी खा जाते, अब तनि उसको दे दीजिए, ओकरा से पूछताछ करना है। दो चार गो गवाह मिले हैं सब गंगुआ में, वो देखा है सब कि कौन आदमी मारा है, तो एकरा ले जाइएगा तबे ना हम दिखाएंगे कि देख देखते हो ये नहीं ना था, तो गंगुआ लगाएंगे हाँ हाँ ये यही है, ये यही मारा था यहाँ पर। तो आप हमको उसको पूछताछ के लिए दे दीजिए ताकि हम सबूत इकट्ठा कर सकें, सीन को हम रिक्रिएट कर सकें। जैसे जो हैदराबाद रेप का केंट था ना, तो पुलिस जज के पास जाके कही कि जज साहब जो चार गो आदमियों को हम दिए थे ना रतिया जो रेप किया था सब, जिसको आप जेल में भेज दिए थे जुडिशियल कस्टडी में, उसको लाइए, तो उतनी से हम रतिया को फिर ले जाएंगे और सीन को रिक्रिएट कराएंगे ताकि सबूत मिले कि कैसे कैसे किया है। वो तो जानता था पुलिस किसे, जज साहब जैसे देंगे मार देंगे। अब क्या करते, तो जज साहब कहते हैं अच्छा हाँ अगर नहीं देंगे तो सोचा सबूत कैसे जुटाएगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलाएगा, सब चीज़ होता है ना सबूत वगैरह, पुलिस थूर थार करती है। तो पुलिस कहती है हमको दे दीजिए, डिमांड नहीं करती है। डिमांड कब किया जाता है, जब हम आपका चीज़ वह मानते हैं तो डिमांड, अरे पकड़ के तो हम ही दिए थे जज साहब, इसलिए ये डिमांड नहीं है, ये रिमांड है, हमको वापस दे दीजिए रिमांड, ताकि धक्के पूछ काछ के उनको थाना में बैठाएं। तो पुलिस कहती है हाँ हाँ, तो पुलिस जेलर को लिखती है ए जेलर इसको रिमांड पे दे दो, दरोगा जा रहा है फला दरोगा, तो दरोगा वगैरह का रसीद बनता है। तब पुलिस क्या करती है, जुडिशियल कस्टडी से उसे उठाकर कहां लाती है, पुलिस रिमांड पर लाती है। अब यहां लाएगा आपको थाना में, अब थाना में बांधेगा आपको बढ़िया से, पूछेगा जांच करेगा तही मर्डर किया था रे। देखिए कानून के हिसाब से आप मार पीट नहीं सकते हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि आप पुलिस रिमांड पे हैं और पिटाएंगे नहीं, ये तो असंभव है। अब पुलिस की मार के बाद भाई साहब क्या मस्त मारता है, सब जो पिटाता है वही समझता है। तो ये जांच करती है, सबूत जुटाती है रिमांड पर लेकर, और सीन को रिक्रिएट करती है। और यहीं पे अगर भागने की कोशिश किए ना तो मार देती है, भाग रहा था जज साहब, भाग रहा था, तो जज साहब कहेंगे कि कौन कौन ड्यूटी पे था, तो रमेश सुरेश अब्दुल ये लोग 8 आदमी थे, तो उनसे पूछेगा सही में भाग रहा था, हाँ साहब भाग रहा था। तो आपको पता है ये कानून में वही चलता है जो क्या है, जो साबित कर दिए। तो ये आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रिमांड पर क्यों लिया जाता है, नॉर्मल चीज़ों को रिमांड पर नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए कोई किसी को सपोज कीजिए कि कोई किसी को एक लाठी लेकर सर फोड़ दिया, अब पुलिस गई, लाठी भी मिल गया, वो आदमी भी मिल गया, और जिसका सर फूटा था वो भी मिल गया। तो जिसका सर फूटा था वो लिखवाएगा कि फला आदमी ने मेरा सर फोड़ा और लाठी से, तो पुलिस को लाठी भी मिल गई, सर वो व्यक्ति भी मिल गया, गवाह भी मिल गया। तब पुलिस क्या करेगी, उन्हें 24 घंटे के अंदर जज साहब को दे देगी, और जज साहब रिमांड पर कहाँ भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में। अब पुलिस आएगी कि साहब जिन जिन कपारवा फोड़ा था ना कल लिया, वो हमको दे दीजिए, हम ओकरा से फिर पूछेंगे। तो जज साहब कहेंगे अरे लोल है रे, अब कौन चीज़ पूछेगा, जिन्हें लाठी से मारा था तो लठिया मिलिए गया, आदमियाँ मिलिए गया, अब कौन चीज़, अब मुकदमा चलेगा, भाग यहाँ पे, हम नहीं जानते तो थूरेगा वहाँ पर। तो आप जब तक जुडिशियल कस्टडी में हैं आराम से हैं, पुलिस कस्टडी में ठुकाएंगे। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन का होता है, हालांकि महाराष्ट्र का एक कानून है मकोका, महाराष्ट्र क्रिमिनल कानून है मकोका, वो भी निवारक निरोध है, उसमें 1 साल तक के लिए आपको क्या कर देता है, पुलिस रिमांड पर दे देता है, अब 1 साल तक तुरेगा आपको। तो जनरली ये मैक्सिमम जो होता है वो 15 दिन का होता है। अब जैसे मान के चलिए कि आप कोई मोबाइल है जिसमें 15 GB का खाली जगह है, तो कोई 15 GB थोड़े ना भरता है, 1 GB छोड़ के 14 GB भरता है,
तो जज साहब को पावर है कि 15 दिन तक पुलिस रिमांड पर दे सकते हैं, लेकिन जनरली जज साहब 15 दिन देते नहीं, वो 14 दिन के पुलिस रिमांड पर देते हैं। पुलिस ले आएगी जेल से आपको रिमांड पर, आपसे पूछताछ करेगी, खूब बढ़िया से पूछ कर देगी, आप हो जाएंगे शांत। तो ये आप इतने चीज़ों को आप समझ में आ गया, आप लोग को ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं पूछेगा, ये जानकारी के लिए आपको भले, ये आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और अप्लीकेशन में कुछ लड़कों का पेमेंट फंस गया था, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि 24 घंटे का टाइम लगता है, फिर हर चीज़ अपना नॉर्मल हो जाएगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम आती है तो उसमें 24 घंटे में वो अप्लीकेशन पे ठीक हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।